को जितवाने के लिए थोड़ी बने हैं। देश को अच्छे लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। नमस्कार, फॉर द पीपल न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यातील MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट यांच्या वतीनं भारतीय छात्र संसद आणि आंतरराष्ट्रीय आमदार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आणि याच निमित्ताने या ठिकाणी देशभरातील 150 आमदारांची नॅशनल राष्ट्रीय परिषद भरवण्यात आलेली आहे। आणि याच अनुषंगाने माझ्यासोबत पंजाबचे आमदार हे अमृतपाल सिंग सुखानंद आहे। सर, आपका स्वागत है फॉर द पीपल न्यूज में। पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो बात करने के लिए। मैं पंजाब से आता हूँ, वहाँ से विधायक हूँ, आम आदमी पार्टी से हूँ। भगवंत मान जी हमारे CM हैं, चीफ मिनिस्टर है, तो इसीलिए यहाँ से इनविटेशन मिला तो यहाँ पहुँचे, कुछ सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो यही मेरा परिचय है कि एक नॉर्मल फैमिली से, आम फैमिली से उठकर विधानसभा में बैठे हैं और अभी देश की बात करते हैं। अभी जो MLA कॉन्क्लेव हुआ है तो राहुल सर ने किस विषय पर चर्चा की है और आपको भी क्या गाइडेंस मिला है? नहीं, अभी हमने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उनसे, कुछ अच्छी बातें हैं यहाँ से अडॉप्ट की है और कुछ अपने सुझाव दिए हैं। जैसे मेरे को यहाँ के जो जितने स्टूडेंट से मिला तो सभी अच्छे लगे, इंटेलिजेंट है। उनको इलेक्शन लड़ाना आता है, उनको कैंपेनिंग करनी आती है, मैनेजिंग करनी आती है, मीडिया देखना आता है, बूथ की वर्किंग करनी आती है, लेकिन किसी और के लिए करनी आती है, ये ठीक नहीं है। मतलब हम स्टूडेंट किसी को जितवाने के लिए थोड़ी बने हैं, तो इस बात पे काम करना होगा कि वो किसी को नहीं, अपने लिए वो कैसे करे। तो उसके लिए उनको एक ग्राउंड चाहिए। तो यहाँ से मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है, विनती है कि जितनी जल्दी अपनी स्टडी कंप्लीट करे। और यहाँ से आप आते हो, जैसे जहाँ आपकी भूमि है, जन्मभूमि है, वहाँ जाओ, वहाँ वर्क करो और फिर वहाँ से पॉलिटिक्स में आओ। क्यों, आप खुद हाई एजुकेटेड हो तो एक पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए हाई एजुकेशन होना कितना ज़रूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट है, जीतने के लिए नहीं, लोगों के लिए काम करने के लिए। जीते तो वो कोई जातिवाद से आ जाता है, कोई फैमिली से आ जाता है, कोई पैसे से आ जाता है, कोई धार्मिक सिस्टम से आ जाता है ना, रिलीजियस सेटिमेंट को हर्ट करके आ जाता है। तो ऐसे नहीं, मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। एजुकेशन आपकी तब इम्पोर्टेंस होती है जब आप जीत जाते हो, उसके बाद आपको जो आपकी एजुकेशन है वो आपको हेल्प करती है पूरी। स्टूडेंट्स को क्या सलाह दें? उनको यही सलाह है कि जितनी जल्दी हो सकता है, देश को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, जो सिस्टम को समझे, सिस्टम के साथ काम करें, लोगों को समझे, लोगों के लिए काम करें। तो बड़ी जल्दी ये धार्मिक से, कट्टरवाद से बाहर निकल कर और एक सांझे रूप में देश को बचाने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए वहाँ जल्दी से जल्दी राजनीति में आना चाहिए। और सबसे जो आपका फील्ड है, मीडिया को बहुत आना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया का जितना मीडिया है वो उनमें से 99% एक साइड है। वो उनको सफ़ेद हो, काला हो, कुछ भी हो, उनको बस सफ़ेद ही दिखता है। हाँ, तो इसीलिए वैसे मीडिया का काम होता है कि अपोजिशन के लिए खड़े हों, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम करे। लेकिन जो अब गलत हो गया पिछले 8-10 सालों से, यहाँ का मीडिया ये हो गया कि जो उनको पैसे देता है उनके साथ चलते हैं, पावर के साथ चलते हैं। ये मीडिया कभी नहीं था इंडिया का और होना भी नहीं चाहिए था। सर, आपको महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में क्या लगता है? महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पंजाब की पॉलिटिक्स की तरह बहुत एक्टिव है, और लेकिन यहाँ का हमारे साथ एक डिफरेंस है कि पंजाब के लोग जिस साइड खड़ते हैं तो उनको वन साइडेड करते हैं। लेकिन जैसे अभी महाराष्ट्र में लास्ट टाइम हुआ, लोगों ने वोट किसी को डाला और मुख्यमंत्री कोई और बन गया, तो ये गलत बात है। पंजाब में ऐसा नहीं होता, पंजाब में जिसको लोग वोट डालते हैं वही मुख्यमंत्री होता है। अगर वो कोई गड़बड़ करे तो फिर पंजाब के लोग मुख्यमंत्री तो छोड़, फिर प्रधानमंत्री के आगे भी खड़ जाते हैं, जैसे ट्रैक्टर लेकर किसान चले थे ना। फिर महाराष्ट्र के लोगों को भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो सिखों की भूमि है, ये भी मराठों की भूमि है, तो खून सेम है। हमने अपने अपने लोगों के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ियाँ, पास्ट सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोट किसी और को दिया और मुख्यमंत्री कोई और बन गया, ये गलत बात है। सर, थैंक यू सो मच फॉर द पीपल न्यूज़ से आपने बातचीत की। कैमरामैन रोहित वनकट्टे, सोबत माधुरी कुमकर, फॉर द पीपल न्यूज़, पुणे।